मैं सर्विस में अपने 35 साल की सर्विस की है, उसमें मैंने ये अनुभव किया है कि एक तो बंदे को अपने काम जो है ईमानदारी से करना चाहिए और लगन से करना चाहिए और हार्डवर्किंग बंदे को हार्डवर्किंग जोड़े ना जरूरी है। कोई भी काम है मेहनत लगन और ईमानदारी इसके बगैर कोई काम मतलब के सिरे नहीं चढ़ता। मैंने अपने ड्यूटी दिए लगन मेहनत और बड़ी ईमानदारी से सरकारी काम किया जिसकी वजह से अब मैं ठीक अपने पेंशन ले रहा हूँ और अपने स्टाफ को भी खुश रखा है, स्टाफ से काम भी पूरा लिया है, किसी को तंग भी नहीं किया समझे नहीं, और उनसे भी काम पूरा लिया है जी, और ऑफिसर्स को भी मतलब कि ना कभी मौका नहीं दिया समझे नहीं, उनको भी अपने काम पूरा दिया टाइम से दिया। पापा जी ये बताइए कि आपके इस 35 साल का जो एक्सपीरियंस है मीन्स उसमें से आपने सबसे जो बढ़िया बात सीखी है वो क्या सीखी है? आपने 35 सालों में इस लाइन में आते हुए मतलब सबसे जो अच्छी बात सीखी है वो क्या सीखी है? अच्छी बात है कि आप यदि आप ऑफिसर लाइन में पहुंच गए हो, आप असिस्टेंट हो तो आपको अपने ऑफिसर के बताए काम जो मिला है उसको पूरी ईमानदारी से करो। फिर जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तब भी ये ना सोचो मैं ऑफिसर बन गया हूँ भी अब मैं नीचे वालों से काम लूँ, नीचे वाले आपके काम जो है ना उन पर भरोसा इतना नहीं करना चाहिए कि आपको मतलब कि वो आपको आपका काम समय से ना दें और आपके शर्मिंदगी उठानी पड़े। आपको अपना उनको इतना उनके हर काम पर आपकी निगाह होनी चाहिए और वो काम जो उनको नहीं आता उनको समझाना भी चाहिए, आप भी करना चाहिए। मैं आप काम करता था इसलिए मेरे मतहत भी काम करते थे, मैं आप काम ना करता होता सुपरवाइजरी पोस्ट पर लग करके आप ना काम करता होता मेरे मतहत भी काम ना करते। मैं आप काम करता था इसलिए मेरे मतहत भी काम करते थे, मेरे तो मैं सुनने बहुत काम करने वाला है ये तो आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो पूरी ईमानदारी से ड्यूटी देते थे। ये 35 जो सालों का आपका एक्सपीरियंस है सबसे मुश्किल समय आपको कौन सा लगा कि बहुत मुश्किल समय है? कोई ऐसा समय आया जिसमें आपको बहुत ही मुश्किल में दुविधा में डाल दिया हो, कोई संकट कोई ऐसा है जिसको आपने सॉल्व किया? 35 साल में सारा संकट ही है, जो नौकरी है ना वो बगैर संकट के नहीं चलती, उसमें ऐसे है हर चीज का इंफॉर्मेशन तैयार करनी पड़ती है, हर एक आदमी को टैकल करना पड़ता है ऑफिस में भी और बाहर भी समझे नहीं, इसलिए जो 35 साल की स्ट्रगल है ना वो सारी स्ट्रगल ही है। उसमें थोड़ा सा पीरियड शुरू वाला बहुत मुश्किल था क्योंकि उसमें आदमी को कोई रूल रेगुलेशन की नॉलेज नहीं होती, पहले 2-3 साल बड़े मुश्किल थे, उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन आ किताबें आ गई एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आगे से चल फिर मुश्किल ऐसी होती है बिल्कुल नई सीख मिल जाती है उसमें मुश्किल आती है, उसको फिर समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ऐसी है जब पोस्ट जब प्रमोशन हो जाती है तो नई पोस्ट पर जाने के लिए उसको थोड़ा सा फिर एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, और हर किस्म का ऑफिसर होता है, कोई कैसी किस्म का होता है कैसे हर एक ऑफिसर की नेचर के हिसाब से उसको टैकल करना पड़ता था। आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि आपके जो इस कठिन साधना से पब्लिक कुछ सीखे? हाँ, जो भी कठिन आए उसको समस्या को समाधान करके अपने मतलब के बकायद के साथ बैठ करके बिल्कुल डिस्कस करके जो भी उसका सोल्यूशन निकाल करके उसको हल करना चाहिए। मैंने ऐसे कठिन टिपिकल केसेस सॉल्व किए जिसका ऑफिसर भी जवाब नहीं दे सके, तो मैं अपने बकायद के साथ बैठ करके रूल एंड रेगुलेशन साथ रख के और उसको मतलब के ना रूल एंड रेगुलेशन भी कवर किया है और ऑफिसर का कहना भी माना है, मतलब कि अपनी स्किन भी सेव की है, किसी को कष्ट भी नहीं दिया है और किसी का गलत भी नहीं किया।